गाइस सिर्फ इसका ये एक चम्मच खा लो, आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गठिया और साथ में 100 साल तक आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। सिर्फ आसान सा ये नुस्खा। आज आपको मैं इस वीडियो में 3 रेमेडी बताऊंगी जो इतनी आसान है, इतनी सस्ती है और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप 25 के हो गए हैं तो आज से ही इसको लेना शुरू कर दें। क्योंकि अगर अभी आपके घुटनों में दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, तो फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो भी इसको इनटेक करें और आपका कितना पुराना भी गठिया होगा ना वो भी इससे ठीक हो जाएगा। एक चीज और क्लियर करती हूँ, अगर आप किशोर अवस्था आपकी एज है, इट मींस मतलब अगर आप 10 to before 25 आपकी एज है और आपकी हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, सिर्फ आवाज आती है, पेन नहीं होता, डोंट वरी, आप मत डरो कि आपके बच्चों को या आपको कैल्शियम की कमी है। क्योंकि कट कट की जब आवाज आती है, हमारी जॉइंट्स होते हैं उसमें ना हवा भर जाती है, वायु मतलब वात का प्रभाव बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो जब हमारी हड्डियों को मुड़ने के लिए स्पेस चाहिए होता है, जहां भी मेरी फिंगर है अगर मोड़ूंगी तो उसको स्पेस चाहिए फोल्ड होने के लिए, उस हड्डी के स्पेस में हवा भर जाती है। तो जब हम फोल्ड करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं तो कट कट की आवाज आती है। लेकिन अगर आपकी ये स्टेप 2 हो चुका है, मतलब हड्डियों में से कट कट के साथ में अगर आपके पेन भी होता है, दर्द होता है उठने बैठने में, कहीं झुकने में तो आपके पेन्स होता है, तो इट मीन्स आप अलर्ट हो जाओ कि आपका बहुत गंदी स्टेज आने वाली है, पेन्स बहुत बढ़ने वाले हैं, आपके शरीर में हो गई है कैल्शियम की कमी, लिगामेंट आपके कमजोर हो गए हैं। और उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए 3 आसान चीजें आपने फॉलो करनी है, घर की किचन में है, ऑलमोस्ट होती है, जो नहीं है मार्केट से लाओ, सस्ता है और इस्तेमाल करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और इतनी इफेक्टिव वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है यार, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम आजकल यूथ को, एजेड पर्सन को, हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। तो हर किसी की जिंदगी सिर्फ आप लोग बेहतर बना सकते हैं। मेरा काम है वीडियो बनाना, लेकिन शेयर करना आप लोगों का काम है। गाइस अब बारी आती है फर्स्ट स्टेप की। गाइस सबसे पहले हमें लेने हैं सफेद तिल। सफेद तिल आपकी हड्डियों के लिए वरदान है, औषधि का काम करते हैं। सफेद तिल में होते हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, जो आपके बॉडी में हर तरह की कमी को पूरा करते हैं। ये आपको कैंसर से भी बचाते हैं। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्यूचर में आपको ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जितने भी तरह के कैंसर होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन चीज पर, हड्डियों पर। उसके लिए ऑनेस्टली ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। आपके शरीर में कितनी भी कैल्शियम की कमी होगी, ये अकेले तिल कवर अप कर देंगे। उसके साथ आपको हेल्दी डाइट इनटेक करना होगा, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना होगा। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं आधी कटोरी तिल, इनको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। अब इसमें से मुझे रोजाना सुबह खाली पेट इसका 1 चम्मच उठाना है, अपने मुंह में लेना है और ऊपर से पीना है कोसा पानी। ऐसा आपको डेली फॉलो करना है पूरा दिन। अगर आपकी डायबिटीज की, थायराइड की कोई भी दवाई चल रही है तो पहले आप वो ले लें, उसके आधे घंटे बाद इसको लें, देन 1 घंटे बाद ही आपको अपना ब्रेकफास्ट इनटेक करना है। तिल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं चाहती हूँ आपकी दिल से बीमारी दूर हो, आपके हड्डियों में दर्द ना हो, आप एकदम फ्रीली एक्सरसाइज कर सके, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, तो उसके लिए प्लीज आज से इसको लेना स्टार्ट करें। अब दूसरी चीज आपको क्या लेनी है, थोड़ा सा लेना है गुड़, इतनी क्वांटिटी में जितना आप देख रहे हैं। आपको थोड़े से लेने हैं चने, आप देख सकते हैं चने की क्वांटिटी, और आपने लेना है 1 ग्लास गरम दूध। अब आपने गुड़, चने पहले खाने हैं और ऊपर से गरम दूध पी लेना है। चने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन होता है, जो हमारे शरीर को फौलाद जैसा बनाता है, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियों की कमजोरी है उनको दूर करता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है, आपके मांसपेशियों में जितनी भी सूजन है उसको खत्म करता है, और साथ में आपके बॉडी में एक अलग सी एनर्जी पैदा करता है। आप इस वाले स्टेप को कभी भी पूरा दिन में, जब भी आपको टाइम मिले शाम तक में, आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सबसे जो एग्जैक्ट टाइम मैं खुद लेती हूँ उसका टाइमिंग है 5 बजे का, क्योंकि जब हमें एक्स्ट्रा क्रैविंग्स होती हैं तो गुड़ एक हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, साथ में चने और साथ में मैं ले रही हूँ दूध, तो आपकी वो एक्स्ट्रा भूख को कंट्रोल करेगा, आप बाहर का जंक फूड भी नहीं खाएंगे। गाइस अब बारी आती है तीसरी रेमेडी की। तीसरी रेमेडी के लिए हमने लेना है मेथी दाना। मेथी दाने का 1 चम्मच हमने रात को पानी में कांची कटोरी में इस तरीके से भिगो देना है। भिगोने के बाद हमको मेथी दाने को चबाना है और उस पानी को पी लेना है, साथ में हम कोसा पानी लेंगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं खाया जा रहा तो आपने मेथी दाने को कच्चा ही निगलना है और ऊपर से कोसा पानी पी लेना है। आप 1 महीना सफेद तिल लेके देखें, 1 महीना आप मेथी दाना लेके देखें, और इन बिटवीन आप गुड़, चना और दूध खाएं पूरे दिन में, जब भी आपको टाइम मिलता है, और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें। ऑनेस्टली सारी चीजें भूल जाओगे, आपको ह्यूज ह्यूज डिफरेंस फील होगा अपने घुटनों में, अपने जॉइंट पेन्स में, आप खुद फील करेंगे आप पहले से
से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। साथ में ले रहे हैं हम मेथी दाना जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ नया हमेशा आपके लिए लाती रहूंगी, आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रखूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।